नमस्कार साथियों, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिलो और अंडर को लेकर क्या डिफरेंस है। अक्सर इनमें कंफ्यूज क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को, और आप जानते हो कि कंफ्यूज जहां क्रिएट होता है वहां आप मात खा जाते हैं। तो कंफ्यूज को वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही नॉर्मल है, इजी। वैसे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। देखो, जो बिलो और अंडर, वैसे तो हम लोग बात करें तो बिलो का मतलब भी नीचे होता है, और बात करें अंडर तो अंडर का मतलब भी नीचे ही होता है। तो दोनों का भाव तो नीचे है, फिर आखिरकार हम इनका यूज कैसे और किस जगह करें, ये जान लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गलत फहमी में अगर हमने बिलो की जगह अंडर कर दिया या अंडर की जगह बिलो कर दिया तो स्वाभाविक है वो गलत होगा। तो इसलिए हमें जान लेना ज़रूरी है कि बिलो का आखिर प्रयोग कैसे होगा और अंडर का कैसे होगा, जबकि दोनों का अर्थ एक ही निकलता है नीचे। तो गाइज, अगर बात करें हम बिलो के प्रयोग को लेकर, तो बिलो का जो प्रयोग है वो लेवल बताने के लिए किया जाता है, स्तर बताने के लिए किया जाता है। तो बिलो का प्रयोग किसके लिए होगा? लेवल बताने के लिए होगा, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और जैसे हम लोग बात करें, जैसे लेवल स्तर में हम लोग बात करें, एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ वर्क इज बिलो राधाज डिग्निटी। या बिलो का अर्थ है कि जो कार्य था वो उसके स्तर से, यानी कि उसकी जो स्तर था, उसका लेवल था, उसके नीचे था, यानी कि उसके योग्य नहीं था, या उसका जो स्टेटस बना उसके नीचे था। तो इस तरह से हम लोग बिलो का यूज करेंगे गाइज। तो हमें लेवल को बताता है, स्तर को बताता है। जबकि बात करें अंडर, तो अंडर का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो नियर नेशन की नज़दीकी दर्शाने या निकटता के रूप में करते हैं, या फिर वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, यानी कि लंबवत जो संबंध होते हैं उनको बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो गया, बिलो का जहाँ लेवल के लिए कर रहे थे वही अंडर का नियरनेस या वर्टिकल रिलेशनशिप बताने के लिए करते हैं। जैसे द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब यहाँ बिलो द टेबल नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? अंडर द टेबल करेंगे, क्योंकि या तो नज़दीकी दर्शाएगा या लंबवत वाली बात, जो वर्टिकल रिलेशनशिप, इसलिए द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे हमारा अंडर का प्रयोग से होगा। तो गाइज, आई होप कि अब आपका कन्फ्यूज दूर हो गया होगा। जुड़े रहिएगा, थैंक यू।